तो हेलो फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में स्वागत है। तो पिछला बार जो वीडियो बनाए थे एतवारपुर का, फिर से हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं कि कितना काम प्रोसेस हुआ है, कुछ इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे जो लोग बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और इनसे बात करते हैं और इसके बारे में वीडियो में पूरी तरह से बताते हैं। तो फिर से हम आ चुके हैं एतवारपुर सिपाड़ा, दुर्गा पूजा 2023 का पंडाल दूसरी बार देखा, जो कि आपको बन रहा है 30 लाख रुपए की लागत से। टोटल 16 प्रतिमा स्थापित होंगी और इसकी ऊंचाई जो होगी 105 फीट। तो दोस्तों, मैं फिर से एतवारपुर आ चुका हूँ आपको वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन ये मैं कर रहा था वायरलेस माइक के जरिए। तो बात करते करते सारा तो रिकॉर्ड मैंने वीडियो कर लिया, बाद में पता चला कि इसकी बैटरी जो है पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण जितने भी मेरे बात किए हुए जो भी वॉइस थे सारे के सारे है ना खत्म हो चुके थे, मतलब कोई आवाज नहीं। कोई बात नहीं, मैंने फिर से भी रिकॉर्ड किया, फिर से मैंने बात करने की कोशिश की, जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वारपुर का दुर्गा पूजा पंडाल जो बनने वाला है, बाल मंडी नवयुवक संघ के द्वारा बनने वाला है, जो अभी अभी मैंने आपको बैनर में आपको मैंने फोटो दिखाया था, और देख सकते इस तरह से ये है अंदर में पंडाल बन रहा है। मतलब इसको है ना पूरी तरह से छा कर, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक इसमें है ना प्रतिमा बनना शुरू हो जाएंगी। चारों तरफ से इसे पैक किया जा रहा है बरसात को ध्यान में रखते हुए, इसका जो भी मूर्ति वगैरह प्रतिमा वगैरह यहाँ पर बनेगी उसका व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि प्रॉपर तरीके से बरसात से है ना सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर जो मूर्ति पूजा पंडाल बन रहा है दुर्गा पूजा एतवारपुर 2023 का, तो यहाँ पे जो मजदूर लोग लगे हुए हैं उन्हीं के सीनियर हैं जो बताएंगे यहाँ के बारे में। सर आपका नाम क्या है बताइए। इमामुद्दीन अंसारी उर्फ बंटी। अच्छा, मधुपुर झारखंड से रहने वाले हैं। आज सुनने में आया है कि पिछला बार आए थे तो पता किए, तो पता चला कि यहाँ पे आप 5 साल से मूर्ति पंडाल बना रहे हैं। तो पिछला साल इतना जो सुंदर पंडाल बना था मीनाक्षी मंदिर मदुरै का, आप ही बनाए थे जी, जी। इस बार भी आप ही लोग बना रहे हैं। इस बार भी इसका चौड़ाई देख सकते हैं कितना चौड़ाई सर होगा यहाँ से वहाँ तक। जगह नहीं मिलने के कारण सर 100 फीट है ये पूरा। जगह नहीं मिलने के कारण 100 फीट है, नहीं तो और बड़ा होता। और बड़ा होता, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से और पीछे से जब मतलब इसका चौड़ाई कितना इसका होगा? चौड़ाई 40 फीट। अच्छा, लंबाई 100 फीट हो गया, चौड़ाई 40 फीट हो गया। और वहाँ जो पंडाल से आगे आपको खाली दिख रहा है वो सब ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं, वो गड्ढा भराएगा और आगे गड्ढा होगा, नाली का जमीन रोड से कुछ नीचा है। अच्छा, बरसात की व्यवस्था बता रहे? नहीं, पब्लिक वगैरह अगर आएगा तो उसके बाद वहाँ से उतना भीड़ के लिए जगह छोड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया है, पिछला बार तो रोड पे था, इस बार रोड के किनारे मतलब सीधे साइड में आपको मिल गया है। 100 फीट है ये रोड से अंदर, 100 फीट में है। अच्छा, स्पेस दिए हुए हैं पब्लिक के। अच्छा, तो मतलब इस बार ट्रैफिक जो है काफी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा जो माइनर मूर्ति यहाँ पे बैठेगा। अच्छा, कितना मूर्ति यहाँ पे होने वाला है? यहाँ पर 16 मूर्ति लगेगा। 16 मूर्ति लगेगा। अच्छा, मुख्य मूर्ति यहाँ पे और उधर भी कुछ मतलब जो भी है मूर्ति पंडाल में है, जो ये जो पंडाल है जिस पे आधारित है। हाँ, शिव जी का उसमें रहेगा। अच्छा अच्छा, उसकी प्रतिमा रहेगा। धन्यवाद सर इतना टाइम देने के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको जो पंडाल का मेन स्टेज है बन रहा है जहाँ पे प्रतिमा स्थापित होगी। तो फिलहाल चप्पल खोल के हम चलते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ है पंडाल, और यहाँ पे जो बनने के लिए है ना तैयारी हो रहा है। इस तरह से इतना ये रखा हुआ है, इस तरह से ये पंडाल है देख सकते हैं। ये बाहर से आए हुए हैं टोटल 26 मजदूर है जो थर्मोकोल और पंडाल का और मूर्ति का सबका अलग से ये यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। पूछने पे ये भी पता चला है कि यहाँ पे जो प्रतिमा स्थापित होगी टोटल 16 प्रतिमा, तो सर जी बता रहे हैं कि यहीं पे बनना शुरू हो जाएगा, कल से वो भी बनना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस पंडाल को मतलब कुछ ऐसा बना दिया जाए ताकि जहाँ पर अगर प्रतिमा बनता है तो बरसात के कारण कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसी चलते हैं ना पहले इसको पूरी तरह से सेफ किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्रतिमाएं बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब पूजा जो पंडाल बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है ना मतलब देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि यहाँ थर्मोकोल का कारीगरी और पंडाल का मतलब सब मिला जुला के है ना, जो गुजरात के द्वारकाधीश टेम्पल मंदिर है उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको दर्शन करवाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से एतवारपुर का पिछले साल धमाल हुआ था मीनाक्षी मंदिर जो यहाँ पे बना था, ये कहिए कि जो धमाल मचाए थे एतवारपुर का कोई नाम नहीं जानता था, इतना नाम हुआ था, ये इन्हीं लोगों के कारण हुआ था। और इस साल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पंडाल बनने वाला है। तो इनको हम डिस्टर्ब ना करते हुए ये काम कर रहे हैं, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए चलते हैं, आपको कुछ अंदर बाहर सबका फुटेज दें।
तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।